क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, इन द फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। हमें क्या प्रूव करना है, गिवन है पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, ये दोनों गिवन है इक्वल, और हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस इक्वल होगा पी आर टी के। ओके देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंड टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमें प्रूव करना है। सो कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो ध्यान से, ये एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है क्यू पॉइंट पर, क्यू पर किसको, एस टी को। सो इस कंप्लीट एंगल को हम क्या बोलेंगे, दैट इज पी क्यू आर एंड प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 होगा, क्यों, बिकॉज अ लीनियर पेयर। ठीक है, इक्वेशन वन। सिमिलरली क्या होगा, पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर, इक्वेशन टू। अब ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है, इक्वेशन वन इक्वल टू इक्वेशन टू, क्यों करना है, क्योंकि हमें तो प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था पी क्यू एस, पी क्यू एस को पी आर टी के। सो क्या हो जाएगा, जब दोनों को आप इक्वल पुट करोगे, पी क्यू एस प्लस इज इक्वल टू क्योंकि दोनों 180 हैं तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, दैट इज पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ओके, यहां से हमें क्या मिला, जो पी क्यू आर था, जो पी क्यू आर था वो पी आर क्यू के इक्वल था, गिवन है पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल था। सो जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के इक्वल था। ओके, सो यहां से क्या मिल गया हमें, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। हैंस प्रूफ।